हेलो फ्रेंड्स, एंड इन दिस सीरीज वी आर पिकिंग अप सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पॉलिटी. सो हियर वी आर कंटिन्यूइंग लाइक द प्रीवियस सीरीज, पिकिंग अप द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सी देयर आंसर्स. आई होप ऑन माय स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द कंप्लीट स्टेटमेंट. आई एम आल्सो ट्राइंग टू सी द कंप्लीट स्टेटमेंट. लेट्स सी दैट वेदर वी कैन रीड इट और नॉट. आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ. जुडिशरी इन इंडिया एंजॉयज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ. अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूँ तो ये है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को पूछ रहा है ये. और जज इन इंडिया कैन डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड सिंपली बिकॉज इन दियर ओपिनियन द लॉ इज नॉट ट्रू. ऐसा नहीं हो सकता, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है. द जज इन इंडिया कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अनडू लॉ इवन इफ इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही बात है. वैलिडिटी ऑफ अनड्यू लॉ, जो लॉ अपने आप में पूर्ण नहीं है या जो जिसकी जिसकी वैधता आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में है फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं. क्या कहते हो आप इसको, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ? तो जजेस इन हाँ इंडिया सर, कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इट इज विद द लिमिट्स ऑफ क्वेश्चन. आई थिंक बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू कि जब मेंस का आप आंसर लिखते हो और आपको अगर आप करते हो तो पावर ऑफ जुडिशियल रो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, दैट मीन्स जजेस इन इंडिया कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अनड्यू लॉ इवन इफ इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा आप एग्जाम में लिख भी सकते हो. तो इसमें क्या डाउट, क्या प्रॉब्लम? डाउट नहीं है, बस मतलब शॉर्ट ही चाहिए थी चलिए क्योंकि सेकंड ही चूज किया था, गुड, क्योंकि सर मतलब नहीं ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बात करते हैं, देयर इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट फॉलो तो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही करते हैं. हाँ फॉलो करते हैं, इट हैज इवॉल्व विद टाइम. जी. चलिए, इफ द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वैकेंट एट अ टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और डिमाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सीनियर मोस्ट गवर्नर. ये तो रॉन्ग है, सी तो रॉन्ग ही है, डी भी रॉन्ग है. ए या बी में से आप क्या मारेंगे? प्रवेश जी सर, डिप्टी चेयरमैन. डेप्यूटी चेयरमैन. देखो ऐसे जब क्वेश्चंस होंगे, अगर मान लीजिए आपको अभी आते भी हैं फिलहाल, तो इट विल डिपेंड ऑन हाउ विद व्हाट स्पीड आप इसको मार्क करते हैं एग्जाम में. अब आपको टाइम भी बचाना सीखना है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनमें आप कितनी फुर्ती से आप आंसर को बबल बनाते हैं. ये नहीं कि मुझे आता है तो यार मेरे को आता है मैं क्या सीखूं, ऐसा नहीं हो सकता. आपको फिर उसमें स्पीड सीखनी है. नहीं आता है तो क्लैरिटी, और क्लैरिटी है तो स्पीड. चलिए आगे, और स्पीड अगर है तो ब्लंडर नहीं होना चाहिए. हु अमंग द व्हाट वर द मेन फाइंडिंग्स व्हाट वर द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द एन एन वोरा कमेटी. अब एन एन वोरा कमेटी किसकी थी? इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट. आशिक प्रवेश चैनल वॉरा कमेटी, नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट. हाँ आर यू श्योर? जी सर, डी करेक्ट है. यस डी इज द करेक्ट आंसर. सर. तो उसमें फिर हमें एक दो पॉइंट भी एक्स्ट्रा पता होने चाहिए. एन एन वोरा कमेटी, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स. विच ईयर इट केम? 1920 आफ्टर बॉम्बे बॉम ब्लास्ट 1923, तो 1925 का. यू वांट टू से लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. चलिए नो सर, नेक्स्ट. इट इज चलो, रिलेटेड टू द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट. उसके बॉम्बे बाद बॉम्ब ब्लास्ट. यस. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट विद द पुलिस कमिश्नर इन द सिटीज ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. नो सर, करेक्ट. 234, 234. वन नहीं है? नो सर. वन में क्या है, कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर, किसके पास है वन में? देयर इज द एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर. द जी एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर. आर यू श्योर अबाउट इट? जी सर, मरण पर सर. जी और दिल्ली के केस में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? एलजी के पास नहीं है? नो सर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ही इज द मेन लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी. ओके इसका okay. डी होगा आंसर इसका. वन भी होगा इसमें. आप दोनों आंसर में हाँ डिफर हाँ कर रहे सर, हैं. और हाँ, प्रवेश इज सेइंग क्योंकि कि सर, चंडीगढ़ नहीं होगा. क्योंकि से बोलिए. यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर का जो पावर है वो यूनियन टेरिटरी और बाकी सब मेन कैपिटल में ज्यादा रहता है कंपैरिजन. और देखिए लेफ्टिनेंट इसकी गवर्नर तो रहेंगे ही, तो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो तो वो सब में तो रहेंगे ना सर, वो तो. सर एज पर दी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट, दी एडमिनिस्ट्रेटर इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन द चंडीगढ़.
ओके थैंक यू, सही बोला। तो औशिक जस्ट क्लैरिफाई, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट होना चाहिए, इट इज अबाउट व्हाट इज रिटर्न, हम उसके हिसाब से देख सकते हैं दिल्ली के केस में भी। लेकिन फिर वही बात है कि फिर तो सारे हो जाएंगे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चंडीगढ़ का फिर अलग बात भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जीक्यूटिव कमिटीज ऑफ राज्यसभा, एक्सक्लूसिव कमिटीज ऑफ राज्यसभा, आई एम सॉरी, कमिटीज ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब बताइए, कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एसटी, डू यू थिंक इट शुड बी एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू राज्यसभा ओनली? नो सर, नो सर, नो। एंड एंड ऑल्सो कमिटी ऑन कमिटी पब्लिक ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग, हाँ नहीं जी, सर, इट कैन नॉट बी, ये भी नहीं हो या दैट सकता। इज व्हाई आप इस तरीके से डिड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज यू रेड इट क्लियरली, देन ऑब्वियसली 1 होगा, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होगा, और 2 भी होगा। चलिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल, अभी हमने बात की थी। औशिक प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ। चलिए। सर यहाँ पूछना था सर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, करेक्ट, लेकिन ओवर द पीरियड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया गया है, बिल्कुल मतलब लाया यू गया, बिल्कुल तो लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बताइए प्रवेश। जी सर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया गया है या नहीं लाया गया है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में पहले से ही है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि लाया गया बाद में, मतलब इसका एक्सप्लिसिट यूज होने लगा इस टर्म का, लेकिन था पहले से। सर, था पहले से, ओके, कैसे बताइए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले से इसलिए है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिटेशंस लेकिन अगर हम कहें नहीं, लिमिटेशन हम ऐसे नहीं बोलना, हमें बोलना है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में अगर है भी था शुरू से, तो उसका इवोल्यूशन तो हुआ ही है। कैसे इवोल्यूशन हुआ है, अगर आप शुरू से देखो, एक ही गोपालन केस था, मेनका गांधी केस था, फिर उसके बाद के एस पुट्टू स्वामी केस जो अभी 2017 में, मेरे ख्याल से, जिसको मैं कहता हूँ 2017 में जिसकी बात हुई जी है, सर, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं इसके, कि भाई कैसे आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक तरीके से इंडिया में इवॉल्व हुआ। लेकिन अगर हमें डिफरेंस पता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ को, तो हम आराम से कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, वो चेक कर रहा है कि जो लॉ क्वेश्चन में है वेदर वो रीजनेबल है कि नहीं है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है वो। और प्रोसीजर मतलब वो प्रोसीजर देख रहा है कि भाई प्रॉपर पास हुआ कि नहीं हुआ लेजिस्लेचर से, और जो रेलेवेंट जो बॉडी जो उसको पास कर रही है उसकी लीगैलिटी भी है कि नहीं है, या स्टेप्स ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ओरिजिन US और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ का ओरिजिन UK, ऐसे करके हमें पता होना चाहिए। स्कोप तो आपको मालूम ही है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्कोप जो है वो बढ़ा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ब्रॉड कर दिया है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ का जो स्कोप है वो नैरो है। पर्पस क्या है भाई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पर्पस है कि वो चेक करता है कि लॉ जो क्वेश्चन में है वो फेयर है कि नहीं है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो ड्राफ्टिंग की बात हो गई कि लॉ ढंग से ड्राफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, फॉलो कर रहा है प्रॉपर प्रोसीजर को नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मेंशन है आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर। अब दोनों ही परफेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ दोनों का ब्लेंड है। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन है वो ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करती है, अनफेयर मेथड्स को खत्म कर देती है, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो लीगल डॉक्ट्रिन के हिसाब से है, वो टेक्निकल है, वो फेयरनेस को नहीं देखता कि क्या है। तो ये वाली बात है। तो मेनका गांधी केस में एम्फसाइज किया था रेशनैलिटी का, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 जो मैं कह रहा था। तो कुछ मतलब प्रोसीजर तो है ही, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में जो है इस तरीके से, आपको मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो हमें उसका पूरा इवोल्यूशन देना ही पड़ेगा। बात समझे आप मेरी बात को? यस सर, यहाँ पर जो लिखा है पावर ऑफ जुडिशियल और रिव्यू इवन आई, इवन इवन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में भी अगर मैं बात करूं, एक स्टेप और प्रवेश ने और वैभव ने पॉलिटिकल साइंस और IR में पढ़ा होगा, उसके अंदर भी आप जो है सब्सटेंसिव ड्यू प्रोसेस एक लेके आ जाते हो। उसके दो एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अगर एंगल से देखा जाए तो, एक सब्सटेंशियल ड्यू प्रोसेस होता है, इसका मतलब सब्सटेंशियल यानी उसमें कितना वजन है, कंसिस्टेंट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, फिर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है मेन बात जिसकी हो रही है वो है एक,
और दूसरा है आपका प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस की प्रोसेस उसके ठीक से रीजनेबल प्रोसेस उसने फॉलो किया नहीं किया, तो उसके अंदर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर भी कायदे से प्रोसीजर ही है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से उसके अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं, एक सब्सटेंशियलिटी का एलिमेंट है और एक प्रोसीजर का एलिमेंट है, लेकिन वो कम्प्लीटली वैसा नहीं है। तो इसलिए इंडिया में तो मतलब इवॉल्व हुआ। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, प्रॉपर बात करते हैं, तो वो जो है आपका डेसीज रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं, आई एम नॉट आई डोंट नो मच डिटेल्स अबाउट इट, लेकिन डेसीज रूल ऑफ लॉ है मेरे ख्याल से, वहां से शुरू होना चाहिए इसको। चलिए आगे। सर, तो इसमें डाउट था कि अगर वहां लिखा रहता, बैक करो वहां से एक बार, सर, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर नहीं लिखा रहता, अगर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिखा रहता सिर्फ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल, तो दोनों होता है ना, वो ए और बी दोनों, हाँ फिर तो दोनों हो जाएंगे हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन काजल। तो एक्सप्रेसली मेंशन है, नहीं, इसलिए फिर पावर बी। ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल, फिर अगर मान लो दोनों की बात आ रही है उसमें, तो आप फिर तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही है भाई, वो तो प्रिंसिपल की बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल तो खैर दोनों ही है, दोनों है ना सर, हाँ दोनों ही बिल्कुल है एक सर, तरीके से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा सिर्फ जो बी है, जो ए है वो बी से स्पार्कल होके मतलब ब्रॉड हुआ, बी बी नैरो है लेकिन बी मेंशनड है, और ए जो है वो हाँ इवोल्यूशन के थ्रू आया है। ये सर, ठीक है ना प्रवेश जी, कोई पॉइंट तो मिस तो नहीं हो गया? नहीं सर सारे कवर। चलिए इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ना तो वो डायरेक्ट बोल रहा है, एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन कह दिया उसने, तो सीधी सादी बात है इसका आंसर है क्या है इसका आंसर रोशिक? कौशिक इसका आंसर क्या है? एलिमेंट पूछ रहा है तो यहाँ पर 92 होगा, 1892। हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1892 इज द राइट आंसर। ठीक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस सिस्टम इज फाउंड ऑन द नोशन ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, इंडिया बोरोड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन सर ऑल्सो बी फॉर्म विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या बोलना है भाई इसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? अच्छा एक ही स्टेटमेंट बताना है, ज्यादा भी हो सकते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्राइम मिनिस्टर। नो सर, बताइए जी। 4 रॉन्ग है और 2 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है, मैंने तो 1 एंड 3 हो गया, नहीं 1 एंड 2 हो गया, करेक्ट सर, 1 और 2। 1 एंड 2 हो गया। कोलैबोरेशन भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अभी तो फैक्ट है ये, बताइए। फर्स्ट मेंशन इन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रूल 308 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। सर यहाँ पर जो सर मानते हैं बी वो होगा सर फोर्थ इसका, ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो सर मानते ने रॉन्ग किया है वो सही है, मतलब इसमें कोई मिनिस्टर की मेंबरशिप या पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। सर नहीं मॉर्लीमेंटो रिफॉर्म में नहीं हुआ था, 1990s में आया था, तो बाद में आया था सर पीएसी। और जो थर्ड ऑप्शन है, दिस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी 2 ईयर्स, ए 1 ईयर है। आप कह रहे हैं, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1 और 3 होना चाहिए सर, 1 और 3 गलत बताना है कि सही बताना है? नॉट करेक्ट बताना गलत है, बताना है, हाँ वही गलत मैं कह रहा बताना हूँ है, वही आपसे। बताना, यस गलत सर। तो सर फिर पहला भी हो गया और थर्ड भी हो गया। ठीक है चलिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लाइक लोकसभा राज्यसभा इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। फॉल्स, राज्यसभा इज इक्वल फुटिंग रिलेशन विद द लोकसभा इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ सप्लाई। इन द एरिया ऑफ सप्लाई क्या है भाई एरिया ऑफ सप्लाई? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। थर्ड स्टेटमेंट बताइए कौशिक। फॉल्स, और
सर, फोर्थ वन। ओके, फोर्थ ट्रू हो गया, थर्ड फॉल्स हो गया, तो आंसर इज हाँ औषिक प्रवेश डी ओनली फोर। डी यस ओनली। चलिए नेक्स्ट, सर, सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ओके मूव अहेड ऑन द सेम डायरेक्शन, पिकिंग अप आइडियाज, देन रीडिंग अगेन एंड देन आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, एंड विल बी पिकिंग अप मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।